आजकल स्पर्म काउंट कम होने की वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। और स्पर्म काउंट कम होने के लक्षण क्या होते हैं, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे अच्छे फूड्स हैं जो खाने से हम अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो स्पर्म्स हैं वो 1 ml जो है हमारा वीर्य, उसके अंदर करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। अगर हमारे 1.5 करोड़ से कम स्पर्म 1 ml के बीच में होते हैं तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, मीन्स के स्पर्म्स कम हैं। अगर स्पर्म्स निल हों तो उनको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं होता। मैंने अपने लाइफ जो मेरा करियर है उसमें कभी नहीं देखा कि किसी के स्पर्म्स ऐसे बढ़े हों जिसका निल होता है। लेकिन अगर आपके स्पर्म्स कम हैं, सपोज 8 मिलियन है और आपको कम से कम 15 मिलियन चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके, तो हमें जो है वो स्पर्म हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मेडिसिंस भी आती हैं। और ये देखिए, ये जो है 15 मिलियन स्पर्म्स में से केवल एक स्पर्म होता है जो कि अंडे को, ये अंडा है, अंडे को भेद के जो है वो उसके अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती है। ये 15 मिलियन में, 15 मिलियन से अगर कम स्पर्म्स हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इनको, स्पर्म्स को कैसे बढ़ाएं दोस्तों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कारण, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हमें पता लगेगा कि स्पर्म्स हमारे बॉडी में कम होने की संभावना है। अगर आपको 1 साल हो चुका है शादी को, लेकिन आपको अभी तक रेगुलर, अगर आप इंटीमेट होते हैं फिर भी आपको अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि मेल पार्टनर में स्पर्म्स की कमी का एक कारण हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण क्या रहता है कि अगर हमें, दूसरा लक्षण यह है कि अगर आपके चेहरे पे बाल बहुत कम हैं तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा से ना बन रहा हो जिसकी वजह से आपके जो सीमन में स्पर्म्स की कमी हो सकती है। तीसरा दोस्तों, अगर आपके टेस्टिस में किसी तरह की स्वेलिंग या गांठ आपको नजर आती है तो भी चांसेस हैं कि आपको सीमन में स्पर्म्स जो हैं उनकी कमी हो। तो दोस्तों, इस कमी को पूरा करने के लिए कैसी औषधि कैसे बनानी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया था, वो ज़रूर देखिएगा। आज हम इन सुपर फूड्स की बात कर रहे हैं जिनके खाने से हम स्पर्म्स जो हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है लहसुन। लहसुन की सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियाँ चबा चबा कर खानी है। इसमें एलिसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे स्पर्म फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम आप इसको 1 मिनट के लिए चबाएंगे। और दूसरा, अगर आपको लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, कई लोगों का मुंह पक जाता है लहसुन खाने की वजह से, तो आपको जैसे ये मैंने इसको तवे पे इसको भून लिया है, तो भुना हुआ लहसुन जो है उसकी आप 3 कलियाँ रोज़ सुबह चबा चबा कर खाइए। इससे आपके मुंह में छाले वगैरह नहीं पड़ेंगे, पकेगा नहीं। दूसरा दोस्तों, पोमग्रेनेट, अनार। अनार तुर्की में एक स्टडी हुई है जिसमें कि ये पता चला है कि जो अनार है, ये अनार का 1 गिलास जूस डेली पीने से आपके स्पर्म काउंट में वृद्धि होती है। तीसरा दोस्तों, ये डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हमारे इंडिया में थोड़ी मुश्किल मिलती है लेकिन अवेलेबल हो जाती है। इसमें एल आर्जिनिन करके एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, डार्क चॉकलेट अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो डार्क चॉकलेट का इतना, इतने 4 पीस डार्क चॉकलेट के डेली अगर आप खाते हैं तो आपको स्पर्म काउंट वृद्धि में हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद आता है दोस्तों, ये देखिए, ये है तरबूज के, सॉरी पेठे के बीज, पेठा भी बोल देते हैं, कद्दू भी बोल देते हैं, पंपकिन भी बोलते हैं। पंपकिन सीड्स, इतनी क्वांटिटी लगभग जो है ये 20 ग्राम के करीब पंपकिन सीड्स आप डेली खाएंगे तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिससे कि आपके स्पर्म काउंट इंक्रीज होने की संभावना होती है। उसके बाद आ जाता है बनाना। बनाना दोस्तों, बनाना सिर्फ ये नहीं है कि आप बनाना खाइए डेली, इसके अंदर ब्रोमेलिन का नाम का एक पदार्थ होता है जो कि आपके स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करता है। एक चीज़ आपको बड़ी हैरानी लगेगी कि आमतौर पे हम सुनते हैं कि पील्स जो हैं वो फ्रूट्स के हैं, उनमें ज़्यादा प्रोन्यूट्रिशन होती है फ्रूट से भी। तो इसका ध्यान रखिए, आप इसके पील भी ऐसे करके, ये पील भी आप इसका खाएंगे तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप रेगुलरली इसका भी सेवन करते हैं बनाना के साथ तो आपको ये फ़ायदा करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों ये वॉलनट। वॉलनट के बीच में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो असेंशियल फैटी एसिड चाहिए होते हैं उनमें से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। तो हमें वॉलनट्स जो हैं, कम से कम वो 4 वॉलनट्स डेली अगर हम खाएंगे, तो ये शोध में भी पता लगा है कि अगर हम 4 वॉलनट्स डेली खाते हैं तो स्पर्म काउंट इंक्रीज होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ये टमाटर। आजकल बहुत ज़्यादा ये टमाटर चर्चा में है अपने रेट की वजह से,
तो इसमें लाइकोपीन नामक का एक पदार्थ होता है जो कि आपकी बॉडी के बीच में इसको स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों ये हैं 7 ऐसे फूड्स जो कि आप खा सकते हो, आप इससे अपनी सीमन की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि केवल स्पर्म का काउंट ही नहीं, इसकी जो है शेप यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसी है, उसकी मोटेलिटी, मोटेलिटी मीन्स कि कितनी स्पीड से और कितना अच्छे से वो मूव कर रहे हैं स्पर्म्स, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिए। वीडियो अच्छा हो लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे को संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ये नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।